नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। जब आपका मोबाइल फोन खो जाता है या चोरी हो जाता है, आप पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाते हैं, लेकिन कई दिनों या हफ्तों तक भी कोई सूचना न मिलने पर आप उम्मीद छोड़ देते हैं कि आपका फोन मिल सकेगा। ऐसे कई मायूस चेहरों पर तब खुशी की लहर दिखी जब हरिद्वार पुलिस ने उनके गुम मोबाइल फोन उन्हें लौटाए हैं। इन सभी मोबाइलों की अनुमानित कीमत 43 लाख रुपए बताई जा रही है। हरिद्वार साइबर टीम ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी हुए और गुम हुए मोबाइलों की लिस्ट बनाई। इनमें कई महंगे और एंड्रॉइड मोबाइल फोन शामिल थे। वहीं इनका नंबर और अन्य प्लेटफॉर्म्स के आधार पर इन्हें ट्रेस किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद इन मोबाइलों को कलेक्ट कर उनके असल मालिकों को सौंप दिया गया। मोबाइल मालिकों ने बताया कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके मोबाइल उन्हें वापस मिल पाएंगे। कई लोगों को उसी हालत में मोबाइल वापस मिले जैसे गुमिया चोरी हुए थे। मोबाइल पाकर उनके चेहरे खिल उठे। सभी ने हरिद्वार पुलिस का धन्यवाद दिया है। फोन एक जीवन का महत्वपूर्ण गैजेट है जो सभी व्यक्तियों सभी लोग यूज़ करने लगे हैं, और जब उसके खोने के बाद उसके महत्वपूर्ण डेटा या उसके कॉन्टैक्ट्स या बहुत सारी ऐसी सूचना रहती है, फोटोग्राफ, जिससे उसे दिक्कत आती है। इसको देखते हुए जो है साइबर सेल द्वारा इस पर निरंतर प्रयास किया जाता है। जहाँ भी हमारे मोबाइल खोते हैं विक्टिम्स के, उनकी एप्लीकेशन लेकर प्रयास किया जाता है उनको खोजने का। और इसी क्रम में अभी 252 मोबाइल बरामद किए गए जिनकी कीमत करीब 43 लाख है। और बेसिकली क्या है कि जो आदमी का जैसे पर्सनल अटैचमेंट अपने मोबाइल से हो जाता है, और जब वो उसको मिलता है उसका डेटा उसको मिल जाता है या उसके कॉन्टैक्ट्स मिल जाते हैं, उसकी फोटोग्राफ्स मिल जाती है, या चारधाम यात्रा में IRCTC के जरिए हेली टिकट बुकिंग कराना टूर ऑपरेटर्स और यात्रा कारोबार से जुड़े लोगों को रास नहीं आ रहा है। हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे टूर ऑपरेटर एसोसिएशन और टैक्सी मैक्सी एसोसिएशन से जुड़े कारोबारियों ने कहा कि विभागीय अफसरों की अनदेखी के कारण चारधाम यात्रा में कई अव्यवस्थाएं सामने आ रही हैं, जिसका खामियाजा टूर ऑपरेटर समेत चारधाम यात्रियों को भुगतना पड़ेगा। IRCTC का टिकट बुकिंग पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा है, जिससे एक टिकट बुकिंग करने के लिए भी घंटों मशक्कत करनी पड़ रही है। साथ ही IRCTC से टिकट बुकिंग करना काफी महंगा भी पड़ रहा है, जिससे कारोबारियों के साथ राज्य सरकार को भी राजस्व की हानि हो रही है। सरकार को हेली टिकट बुकिंग के लिए दूसरे पोर्टल की व्यवस्था करनी चाहिए। फाइनेंशियल बहुत बड़ा लॉस है आज उत्तराखंड को, रेवेन्यू का बहुत बड़ा लॉस है। सबसे बड़ी बात IRCTC जो है एक टिकट पे 300 रुपए कमीशन प्लस 18% GST चार्ज कर रही, जिसमें कि उत्तराखंड गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिल रहा। उमेश कुमार चौहान है, मैं उत्तराखंड संस्कृति अकेडमी में कार्यरत हूँ, सिविल इंजीनियर के पद। मेरा फोन जो है बाइक से गिर गया था, मैं बाजार से आ रहा था, तब मैंने ज्वालापुर थाने में जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई। जैसे पुलिस के काम को सराहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन मुझे फोन मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो किस तरीके से? ये मैं शाम के टाइम मंदिर जा रही थी तो मैंने जेब में डाल दिया था, जैसे मैं बाइक पर बैठी तो वो बीच रास्ते में निकल गया। सारी टिकटें पेमेंट में फेल हो रही हैं, उनका पेमेंट गेटवे बिल्कुल फेलियर है IRCTC का। अगर यही सब कुछ होना था तो GMN क्या बुरा था? GMN हमारा उत्तराखंड का था। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में अचानक मौसम ने करवट बदली और 3 दिन कपाट खुलने के लिए बचे हैं। वहीं गंगोत्री धाम में बर्फबारी हो रही है। निचले इलाकों में लगातार बारिश से फिर से ठंड का असर देखने को मिल रहा है। और वहीं ऊंचाई वाले इलाकों की बात की जाए तो हर्षिल, मुखवा, थराली में भी हल्की बर्फबारी होना शुरू हो गई है, जिससे कि किसानों के सेब के काश्तकारों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि आजकल बगीचे में फ्लोरिंग का सीजन चल रहा है। अगर लगातार बर्फबारी होती है तो किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। गंगोत्री नेशनल पार्क में सुबह से ही पहाड़ों में काफी बर्फबारी पड़ चुकी है, जिससे कि नेशनल पार्क इंचार्ज राजवीर रावत ने बताया कि पर्यटकों के लिए एक बड़ा तोहफा फिर से मिल रहा है।
आज 19 अप्रैल को गंगोत्री धाम में दोपहर में जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिल रही है और माँ गंगा के कपाट खोलने की यहाँ पर तैयारियाँ जोर शोरों से चल रही है। 22 अप्रैल को माँ गंगा के कपाट सभी दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके संबंध में श्री पांच मंदिर समिति गंगोत्री की ओर से तमाम तैयारियाँ पूर्ण कर ली गई है। मंदिर में रंग रोगन और साज सज्जा का भी सारे कार्य चल रहा है। माँ गंगा का शीतकालीन प्रवास मुखवा में भी माँ गंगा जी के विदाई के लिए भी जो है पूरी तैयारियाँ चल रही है। आप सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध होगा गंगोत्री धाम में आकर के माँ गंगा के दर्शन करें। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। देश में हो रहे जनसंख्या विस्फोट के बीच साधु संतों ने बड़ा बयान दे दिया है। हरिद्वार में आयोजित एक संत सम्मेलन में संतों ने हिंदुओं से अपील की है कि सनातन संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा के लिए अब हम दो हमारे दो के सिद्धांत को छोड़कर ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए। इस संत सम्मेलन में योग गुरु बाबा रामदेव और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष समेत देश के दिग्गज संत मौजूद रहे। तेजी से बढ़ रही जनसंख्या के बीच एक और देश भर में संसाधनों की कमी हो रही है। सरकार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून की तैयारी कर रही है तो वहीं संत समाज की राय इससे अलग है। दरअसल जनसंख्या विस्फोट के बीच हुआ यह है कि हिंदुओं की संख्या में तेजी से कमी आई है। 20 साल पहले हम दो हमारे दो की बात कही जाती थी, पर अब तमाम हिंदू परिवार महज एक बच्चे के सिद्धांत पर चल रहे हैं, जिससे हिंदुओं की संख्या बड़ी तेजी से कम हो रही है, जिसके चलते संतों की संख्या भी तेजी से घट रही है। इस जनसंख्या असंतुलन के चलते देश के संतों ने हरिद्वार में आयोजित संत सम्मेलन में हिंदुओं से ज्यादा बच्चे पैदा करने का संदेश दिया है। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र चंपावत के टनकपुर चीनी गोठा में आम बाग से लेकर चीनी गोठा गांव तक लगभग 4 किलोमीटर लंबी एक सड़क का निर्माण किया गया। कार्यदायी संस्था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। कार्यदायी संस्था द्वारा किसी प्राइवेट ठेकेदार से कार्य कराया गया, लेकिन ठेकेदार द्वारा सड़क के किनारे से ही सड़क ऊंचा को चौड़ा करने के लिए मिट्टी खोद दी गई, जिस कारण सड़क के किनारे एक नाले का निर्माण हो गया। ठेकेदार की लापरवाही और प्रशासन की मिलीभगत से बड़ी इस नाले के कारण गांव वालों की जमीन और सड़क का भूकटाव हो रहा है, जिसकी वजह से तहसील दिवस के उपलक्ष में ग्राम प्रधान पूजा जोशी द्वारा शिकायत पत्र दिया गया। अपर जिलाधिकारी द्वारा संज्ञान लेते हुए तत्काल दिशा निर्देश दिया गया है कि जाकर मौका मुआयना किया जाए और इसका स्पष्टीकरण दिया जाए। अपर जिलाधिकारी के दिशा निर्देश अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने बताया कि जब हमारे द्वारा यहां से मिट्टी निकालने को मना किया गया तो ठेकेदार द्वारा हमें डराया और धमकाया गया है, जिससे आज हम लोगों का नुकसान लगातार बढ़ रहा है। ये साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि वो तुरंत बरसात से पहले हमको काम करके देंगे, जो गड्ढे हैं उनको कंप्लीट करेंगे और जो साइडों में दीवार खिसक रही है वहाँ पर सुरक्षा दीवार का वो प्रावधान, जो सुरक्षा दीवार है वहाँ पर वो लगाएंगे दिया गया है। तो हम देखते हैं कि वो कितनी जल्दी अपना आश्वासन पूर्ण करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे को कोई कार्रवाई करते हैं। देखो सर, ये तो डामरीकरण जो करा है ये हिसाब से बेहतर कौन जानेगा, क्योंकि अगर घास उगरी है तो हो सकता है कहीं पर थोड़ा बहुत क्रैक रह चुका हो। ये हिसाब से कहने के मैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMG साहब चंपावत से अपर सहायक अभियंता सुधीर कुमार। आज जैसे कि चीनीकोट मोटर मार्ग में यहाँ की ग्राम प्रधान मैडम के साथ निरीक्षण किया गया है और उनके द्वारा मार्ग में हो रहे कुछ जगहों पर कटाव, जिससे कि दुर्घटना की संभावना है, और क्या कहते हैं उन्होंने जगह जगह जहाँ पे भी ऐसी कमियाँ पाई गई है उनका निरीक्षण करवाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वाडिया भू विज्ञान संस्थान में इंडोर डच हार्टिकल्चर और कोको कोला इंडिया द्वारा आयोजित संकल्प से परिवर्तन की ओर कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस मौके पर उन्होंने सेब उत्पादन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले कृषकों को सम्मानित किया। उन्नति एप्पल योजना के माध्यम से किसानों की आय बढ़ने के लिए इंडोर डच हार्टिकल्चर और कोको कोला इंडिया द्वारा सहयोग दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जीवन में किसी लक्ष्य को पाने के लिए संकल्प के साथ आगे बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम किसी लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प लेते हैं तभी कोई परिवर्तन आता है। कोको कोला इंडिया तथा इंडो डच
हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी ने जिस कार्य को पूरा करने का संकल्प लिया था उसे सिद्ध तक पहुंचाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य में फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष कोशिश कर रही है। बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। एप्पल संकल्प से परिवर्तन की ओर कहीं न कहीं हमारे राज्य में जो सेब उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को गति मिलेगी और काफ़ी गति मिल रही है। काफ़ी सारे किसान इस क्षेत्र में अब आगे आ रहे हैं, सेब का उत्पादन कर रहे हैं और इन कंपनियों के और सबके समन्वय से जहां उनको अच्छा बाजार भी मिल पा रहा है, उनके सेब का उत्पादन भी हो रहा है, वहीं सरकार भी लगातार इसको प्रोत्साहित करने के लिए इस वर्ष हमने एप्पल मिशन में 35 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है। बैसाखी के पावन पर्व से शुरू हुए मेलों की श्रृंखला का निर्विघ्न और शानदार समापन हो गया। इस बार लोगों और प्रवासियों ने दूर दूर से आकर इन मेलों में बड़ी संख्या में शिरकत कर देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया है। बैसाखी मेलों की श्रृंखला में अंतिम दिन थराली के माल बजवाहर, नारायण बगड़ के हंसकोटी और कोब में तीन अलग अलग जगहों पर मेले आयोजित हुए। इससे पहले दिन खेलौली और असेड़ गांव में नारायण भगवान और महामृत्युंजय महादेव का मेला आयोजित हुआ। इस बार असेड़ मेला में सणकोट गांव में नैनी माता, लाठू देवता और भूमियाल देवता के प्रतीक निशानों से मां मृत्युंजय महादेव से मिलन कर मेलार्थियों और श्रद्धालुओं को दर्शन देकर आशीर्वाद भी दिए हैं। हमने ये मेला किया है, हमारी सारी जो युवा मंगल दल असेड़ है इसका पूरा सहयोग रहा है, पूरे ग्राम सभा का भी सहयोग रहा है, लेकिन युवा मंगल दल जो हमारा असेड़ का रहा है उसने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया है। मेरा नाम है त्रिलोक सिंह कंडारी, फ्रॉम चंडीगढ़। वैसे मैं गाँव में, वैसे मैं बहुत कम आता साल में एक बार, पर ये है कि मेलों का मतलब चाहे हमारे उत्तराखंड में जो भी मेले लगे हुए हैं तो इतना वो है, इनका उत्साह इतना है, हमारे चाहे उत्तराखंड से है चाहे चंडीगढ़ दिल्ली में, लोगों के अंदर अभी भी उत्साह बहुत बढ़िया है। देहरादून से यहाँ मेला देखने के लिए आ रहे हैं और हमने बैसाखी के यहाँ पे अभी पंक्ति का कुलसारी मेला और मलयाल मेला देखा है और हम सिर्फ मेले के लिए ही वहाँ से यहाँ आए, क्योंकि जिस तरह हम बाहर रह रहे हैं उस तरह हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, तो इसी तरह हमने जो युवा पीढ़ी है उन्हें अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए अपने क्षेत्र के मेलों में ज़रूर आना चाहिए। रुड़की के आदर्श नगर से श्री गार्डन में भाजपा अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश मंत्री जगजीवन राम ने पत्रकार वार्ता कर मेवाड़ खुर्द जिला पंचायत सदस्य ग्राम प्रधान बेल्टा पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया। साथ ही साथ उन्होंने अधिकारियों पर भी मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश मंत्री जगजीवन राम ने अपनी ही पार्टी की हाल ही में निर्वाचित मेवाड़ खुर्द से जिला पंचायत सदस्य सपना चौधरी पर फर्जी दस्तावेज बनवाकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया है। भाजपा अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश मंत्री जगजीवन राम ने मेवाड़ खुर्द जिला पंचायत 29 से निर्वाचन हुई सपना और ग्राम प्रधान बेहरा सचिन चौधरी पर चुनाव लड़ने से पहले फर्जी दस्तावेज बनवाकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया। जगजीवन राम ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि पूरे मामले में ब्लॉक के ग्राम विकास अधिकारी और तहसील के हल्का लेखपाल की भी मिलीभगत के चलते पूरे मामले को अंजाम दिया गया है, जिसका पर्दाफाश सूचना के अधिकार में सूचना मांगने पर हुआ। उन्होंने बेल्डा गांव के प्रधान सचिन चौधरी पर भी घोटाले के गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई न होने की बात कहते हुए इसके बावजूद चुनाव लड़ने की बात कही है। वार्ता मैंने की है, आप सब लोग यहाँ पर पहुँचे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो प्रेस वार्ता आज हुई है यहाँ पे रुड़की में, ये ग्राम बेल्डा में जो सपना है और सचिन है जो वहाँ की रहने वाली, उसने अपने आप को बताया है, वो वहाँ नहीं रहती बेल्डा में, वो आदर्श नगर न्यू आदर्श नगर में रहती है और उसका निवास भी यहीं पर है। उसके वोट और उसका राशन कार्ड और उसके जितने भी परपत्र सब रुड़की के हैं। उसने मेवाड़ खुर्द से जो अपना पर्चा दाखिल किया, 26 मेवाड़ खुर्द से पर्चा अपना दाखिल किया, उसमें सारे पद फर्जी लगाए हुए हैं। राशन कार्ड फर्जी बेल्डा का बनाया गया है, मूल निवास प्रमाण पत्र बेल्डा का फर्जी बनाया गया है और जाति प्रमाण पत्र जो बनाया गया है वो बेल्डा का बनाया गया है। जब वो बेल्डे में कभी रही नहीं तो ये सारे पत्र बने कैसे, उसके परिवार स्टे नकल कैसे बनी है,
जिन लोगों ने ये सारे पर्वत तैयार किए हैं, बनाए गए हैं षड्यंत्र रचकर, मेरी आपके चैनल से यही मांग है कि इनके खिलाफ जांच कर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और इनके दोनों के सचिन जो ग्राम प्रधान निर्वाचित हुआ है और सपना जो जिला पंचायत निर्वाचित हुई, इनके इनके जो प्रमाण पत्र है वो निरस्त किए जाने चाहिए। हरदोई के मलावा में कचरा बिल्लौर राजमार्ग पर कस्बे में तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें महिला की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। उन्नाव के रहने वाले श्री राजेंद्र प्रसाद और उनकी पत्नी मंजूरी मोटरसाइकिल सवार कहीं जा रहे थे, कस्बे में ही किसी कंटेनर से उनकी टक्कर हो गई, जिसमें मौके पर ही मंजूरी की मृत्यु हो गई है और राजेंद्र प्रसाद जी घायल हो गए हैं। उसमें राजेंद्र जी का इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। वहीं वाराणसी में कमिश्नरेट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया, जिसमें पुलिस ने शातिर गिरोह के 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इन चोरों ने बीते 31 मार्च को सिगरा स्थित गायिका सुचारिता गुप्ता के घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जहां इन्होंने ताला तोड़कर लगभग 18 लाख रुपए के आभूषण नगदी लेकर फरार हो गए। ये चोर घटना को अंजाम देने के लिए पॉश इलाकों को निशाना बनाते थे, साथ ही चारपहिया वाहन से अलग अलग राज्य में जाकर घटना को अंजाम देते थे। पुलिस इनके कब्जे से लगभग 11 लाख रुपए के आभूषण, लगभग 6.5 लाख रुपए कैश बरामद किया है। घटना में इस्तेमाल टाटा नेक्सन कार भी पुलिस ने बरामद कर ली है। वाराणसी के बाद बिहार के पटना में भी शातिर गिरोह ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। वहीलगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र अंतर्गत आरटीआई रोड पर मोटरसाइकिल सवार बदमाशों द्वारा व्यापारी पर गोली चलाने का मामला सामने आया है। वहीं बदमाशों द्वारा व्यापारी पर चलाई गई गोली व्यापारी के कान के पास से होते हुए लोहे के शटर के पास लग गई। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया था, बाकी अन्य 3 आरोपी मौके से फरार हो गए थे। फिलहाल व्यापारी पर चलाई गई गोली का वीडियो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कल शाम आईटीआई चौकी क्षेत्र थाना बन्ना देवी में एक व्यक्ति द्वारा आपसी रंजिश के चलते फायरिंग की गई। इस फायरिंग के कारण कोई घायल नहीं हुआ। सूचना मिलने पर मौके से उस व्यक्ति को थाना बन्ना देवी द्वारा तमंचा गिरफ्तार कर लिया गया तथा मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है। उस व्यक्ति के 2 अन्य साथियों की तलाश हेतु टीमों का गठन कर दिया गया है और मौके पर शांति है। कानपुर राष्ट्रीय शर्करा संस्थान को स्वस्थ और पोषक चीनी के उत्पादन में अपने प्रयास से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, आवश्यक फैटी एसिड, विटामिन्स, आहार फाइबर और खनिज से भरपूर सुपर शुगर के उत्पादन में बड़ी सफलता मिली है। इस उत्पाद को श्री राजेश सिंह, उप महाप्रबंधन त्रिवेणी शुगर एंड इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा प्रोफेसर नरेंद्र मोहन, निदेशक राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के मार्गदर्शन में शर्करा प्रौद्योगिकी में फेलोशिप कार्यक्रम में अपने अनुसंधान के अंतर्गत चीनी मिल और संसाधन में 3 साल के लगातार प्रयासों के बाद विकसित किया गया। सुपर शुगर का उत्पादन प्राकृतिक गन्ना चीनी को नियंत्रित परिस्थितियों में शैवाल और तुलसी के साथ मिलाकर तैयार किया गया है। देखिए, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर एक और जो है वैल्यू एडेड शुगर आपके सामने लेके आया है, और बहुत समय से हम लोग की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम जो चीनी उद्योग है उसका चेहरा मोहरा बदलें। और शुगर्स के बारे में एक जो मिथ है कि शुगर खाने से आपको तमाम तरीके की बीमारियां हो सकती हैं, तो एक तो वो मिथ है, उसमें रियलिटी कम है, लेकिन फिर भी हम ये चाहते थे कि हेल्दी और न्यूट्रिटिव शुगर्स जो हैं वो हम जनता के सामने लेके आएँ। आज हमने आपके सामने जो शुगर को लेके आए हैं, वो शुगर में हमने 2 चीज़ों का मिश्रण किया है, एक तो स्प्रुलिना है और दूसरा उसमें बेसिल या तुलसी का हमने सम्मिश्रण किया हुआ है। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके की बहुत सारे न्यूट्रिटिव और हेल्दियर इफ़ेक्ट्स हैं, और इससे जो शुगर बन रही है वो शुगर एक न्यूट्रिटिव और हेल्दियर होगी, जो कि आपको मिठास देने के साथ साथ बहुत सारे अन्य चीज़ें ऐसे देंगी। वहीं बिजनौर के अफजलगढ़ के गांव सिसवा चून में
खूंखार गुलदार ने खेतों की रखवाली कर रहे बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया। खबर सुनकर पूरे गांव में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में बुजुर्ग के परिजन जंगल की ओर दौड़े, देखा तो बुजुर्ग खून से लथपथ अवस्था में खेतों में पड़ा हुआ था। बेटे ने पुलिस को सूचना दी तो मौके पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। फिलहाल वहां मौजूदा लोगों का कहना है कि अभी जानवर का पक्का नहीं कहा जा सकता, हमला करने वाला जानवर गुलदार ही है या कोई और जानवर था। वहीं महोबा के बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जिम्मेदार सालों से ड्यूटी से गायब रहने वाले डॉक्टर्स पर डिप्टी सीएम की कार्रवाई का डंडा चला है। जिले में तैनात 4 डॉक्टर्स की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सेवाएं समाप्त कर दी हैं। वहीं एक डॉक्टर की पेंशन भी रोक दी गई है। सालों से अनुपस्थित चल रहे इन डॉक्टर्स की शिकायत मिलने पर यह कड़ा कदम उठाया गया। बीते दिनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के महोबा दौरे में डॉक्टर्स की अनुपस्थिति की शिकायतें हुई थी, जिस पर सभी को निलंबित कर दिया गया है। डिप्टी सीएम की कार्रवाई से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और उम्मीद जताई जा रही है कि हटाए गए डॉक्टर्स की जगह जिले में नए डॉक्टर्स की तैनाती हो सकती है। की गई मेरे संज्ञान में मीडिया द्वारा ही आया है कि माननीय डिप्टी सीएम साहब ने जनपद महोबा के 4 डॉक्टरों की सेवाएं समाप्त की हैं एवं एक डॉक्टर की पेंशन रोकी है। मुझे जो नाम मेरी जानकारी में आए हैं वो हैं डॉक्टर अनिल कुमार, डॉक्टर सरिता कटियार, डॉक्टर सुशील कुमार और डॉक्टर देवेंद्र कुमार। इन 4 लोगों की सेवा समाप्त की गई है एवं डॉक्टर प्रवीण कुमार की पेंशन रोकी गई है। मैंने अपने ऑफिस का रिकॉर्ड देखे निकाल कर देखा है तो ये जिन डॉक्टर्स की सेवा समाप्त की गई है ये लॉन्ग एब्सेंटी डॉक्टर्स हैं जो 8-10 साल से अपनी सेवा से अनुपस्थित हैं। इनके विरुद्ध अनुपस्थित रहने के कारण अनुशासनिक कार्रवाई प्रचलित की गई थी एवं अंततोगत्व इनकी सेवा समाप्त की गई है। और जिन एक डॉक्टर साहब की पेंशन रोकी गई है निश्चित रूप से इनकी कोई जाँच चल रही होगी जिसमें इनको दोषी पाया गया होगा। दोषी पाए जाने के उपरांत इनकी पेंशन रोक करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही होगी। मुझे इसके लिए अभी तक सरकारी तौर कोई कानपुर दयानंद गर्ल कॉलेज में श्री भव्या मेकअप हाउस और अकादमी द्वारा बच्चों के प्रोत्साहन के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। मुख्य रूप से इस वर्कशॉप का उद्देश्य बच्चों को उनके फ्यूचर को लेकर आगे जाने के लिए एक नई राह दिखाने का काम किया जा रहा है। वहीं भव्या अकादमी की संचालिका भावना श्रीवास्तव ने बताया कि वो बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की वर्कशॉप का आयोजन अक्सर करती रहती है जिससे बेरोजगार बच्चों को रोजगार के अवसर और एक नई राह मिल सके। वर्कशॉप आयोजित करने का उद्देश्य छात्राओं के करियर को बढ़ाना है और इसको मोटिवेशन भी देना है। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? नमस्कार, भावना श्रीवास्तव, मेरा नाम भावना श्रीवास्तव है। बेसिकली आज मैंने दयानंद गर्ल्स PG कॉलेज में यहाँ एक वर्कशॉप अरेंज करी है। मैं यहीं की पास आउट स्टूडेंट हूँ तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी नहीं रखते हैं, पेइंग कैपेसिटी, और करियर में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह की एक वर्कशॉप मैंने पहले भी कर रखी है अपनी अकेडमी में, लेकिन आज यहाँ पर मैंने दूसरे सेक्शन पे आकर के एक बार मौका देना चाह रही हूँ। जो बच्चे बहुत पेन कैपेसिटी नहीं रख रहे हैं लेकिन अपने करियर में कुछ करना चाह रहे हैं तो उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी करूँ जिसमें वो हमें ज्वाइन करें, और हमें यदि वो बहुत पेन कैपेसिटी के साथ नहीं भी ज्वाइन करते हैं तो मेरा बेसिक उद्देश्य ये है कि हर छोटे घर से लेकर के बड़े घर तक की लड़की अपने पैरों पर खड़ी हो। तो पैरों पर खड़े होने का बहुत ज़रूरी समय है आज का, जहाँ मैं चाह रही हूँ कि मेरे आसपास का हर बच्चा मेरे जैसे, जिस तरह मैं इस कॉलेज से निकल करके इतना आगे आई हूँ, उसी तरह वो भी यहाँ से निकले और बहुत आगे अपने पैरों पर खड़े हों। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।